अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो थैंक्स पर जरूर क्लिक करें और अपना प्यार भेजिए। जिंदा नहीं बचोगे, ना तुम ना तुम्हारा परिवार। मैं तुम में से किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। हर अक्षर पे ओवरराइटिंग की हुई है। आज तो तुम बच गए, लेकिन अगली बार मेरा निशाना नहीं चुकेगा। मेरे मरने के लिए तैयार रहना। अनिकेत सर मेरी तरह रेस्टोरेंट चलाता है, बहुत पुरानी दुश्मनी है उसकी मुझसे। उससे मैं कई बार कह चुका है कि मुझे बर्बाद कर देगा। सर मिलिंद सर, अपने रेस्टोरेंट के लिए मैंने उससे पैसे उधार दिए थे जो मैं चुका नहीं सका। ठीक है, क्या लिखा है? शीला, नीचे देखो। राजेश, शीला मेरे रेस्टोरेंट में काम करती थी और हम दोनों एक दूसरे को चाहते थे। उसके हस्बैंड को पता चल गया। वो कौन? मेरी रेस्टोरेंट में काम करता। सर हमारी लिस्ट में 3 लोग हैं। तो ये है अनिकेत, ये है मिलिंद और तीसरा है संतोष और चौथा पल्लवी। पल्लवी की शादी उसके मर्जी के खिलाफ राजेश से, और राजेश ने किसी और के लिए पल्लवी को पापा की गाली दी। मेरी वजह से हुआ है पल्लवी, मुझे तुम्हें जाने नहीं देना चाहिए था। तुम अपने आप को दोषी क्यों मानते हो राजेश? तुम्हें भी कहां मालूम था कि मेरे साथ ऐसा कुछ होने वाला है। पल्लवी मैं तेरा। हेलो मिसेस पल्लवी। हेलो सर, कैसी हैं आप? वो तो ठीक है, पर आप बताइए एसीपी साहब कि आपकी तहकीकात कहां तक पहुंची है? देखिए मैं बहुत डरा हुआ हूं, आप अपना काम थोड़ा जल्दी नहीं कर सकते? अरे जल्द से जल्द सलाखों के पीछे कर दीजिए उसे, वो मेरे पीछे हाथ धो के पड़ा हुआ है। कभी गोली कभी बम, पता नहीं उसकी अगली चाल क्या होगी। आप सीधे सीधे उसका एनकाउंटर कर दीजिए बस। आप एनकाउंटर का मतलब जानते हैं? हाँ? जब दोनों तरफ से गोलियां चलती है तो उसे एनकाउंटर कहा जाता है, और जब तक वो गोली नहीं चलाता हम उस पर गोली नहीं चला सकते, समझा? पहले तो हमें ये पता लगाना है कि वो है कौन। मिस्टर राजेश की किस्मत अच्छी है जो उन्हें कुछ नहीं हुआ। कुछ कैसे नहीं हुआ? इतना जबरदस्त ब्लास्ट हुआ है, उनकी टांग टूट गई, वो बेचारे तो हॉस्पिटल में पड़ी है। मेरा कहने का मतलब ये है उनकी जान इसलिए बच गई क्योंकि बॉम्ब मिसफायर हो गया। अगर ये पूरा का पूरा ब्लास्ट हो जाता तो उनका पता ही चलता वो कहां गई। तो क्या ये बॉम्ब पूरा ब्लास्ट नहीं हुआ है? नहीं, ये बॉम्ब 1/4 ब्लास्ट हुआ है और 3/4 इसके अंदर मौजूद है। क्या ये जानबूझकर? नहीं, गलती से हुआ है। एक्चुअली बॉम्ब ठीक से नहीं बना था, बनाने वाला कोई एक्सपर्ट नहीं, कोई अलाड़ी था। और एक बात। क्या? जिस तरह से बॉम्ब को गाड़ी में फिट किया गया था, अगर ये बॉम्ब पूरा का पूरा ब्लास्ट हो भी जाता तो नुकसान सिर्फ अगली सीट पर हो सकता था, पिछली सीट पर नुकसान होने के चांसेस कम थे। अभी राजेश की बेटी को मामूली सी चोट आई है। सर एक मिनट। हाँ सुधा जी,
सर गाड़ी के एग्जॉस्ट पाइप में कुछ है। प्लीज एक मिनट। क्या लिखा है? EW? तभी ये कार स्टार्ट नहीं हुई और पल्लवी को अपनी कार यहां छोड़ के राजेश की कार इस्तेमाल करनी पड़ी। इसका मतलब ये बम राजेश के लिए नहीं बल्कि पल्लवी के लिए लगाया गया था। बम मेरे लिए लगाया गया था? हाँ पल्लवी, इसलिए मैं तुमसे पूछ रहा हूं, तुम मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रही हो? राजेश तुम, आपकी कार की एग्जॉस्ट पाइप में ये लगाया गया था ताकि आपकी कार स्टार्ट ना हो और आपको मजबूरन मिस्टर राजेश की कार ले जानी पड़े। माय गॉड, ये तो क्या, क्यों क्या है, जरा दिखाइए। ये तो ईटवेल रेस्टोरेंट का नैपकिन है राजेश। अरे हाँ, ईटवेल रेस्टोरेंट। हाँ साफ साफ बताइए बात क्या है। ईटवेल अनिकेत का रेस्टोरेंट है और वो पल्लवी का फ्रेंड है। वही अनिकेत जो आपने कहा था कि आपको बर्बाद कर देना चाहता है? जी हाँ। देखो पल्लवी, तभी मैं तुमसे बार बार पूछ रहा हूं कि कहीं तुम मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रही हो? अब भी वक्त है, सब कुछ सच सच बता दो। कुछ नहीं है राजेश, जो भी है जितना भी है वो तुम अच्छी तरह जानते हो। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि अचानक ही अनिकेत को क्या हो गया। मुझे नहीं लगता कि ये काम अनिकेत का है। मुझे भी ऐसा ही लगता है। हाँ सर, वो पल्लवी को नुकसान क्यों पहुंचाएगा? वो तो उसे चाहता था कभी। और अगर वो ऐसा करता भी तो अपने ही रेस्टोरेंट की नैपकिन पल्लवी की कार के एग्जॉस्ट में फंसाने की गलती कभी नहीं करता। सीधा सीधा शक अपने ऊपर क्यों लेगा वो? करेक्ट, जरूर कोई ना कोई अनिकेत को फंसाने की कोशिश कर रहा है। पर सर ऐसा कौन चाहेगा कि पल्लवी और राजेश मर जाए और सारा शक अनिकेत पर चला जाए? कोई ऐसा जिसे राजेश और अनिकेत की दुश्मनी के बारे में पता है वही इसका फायदा उठा सकता है। एक तीर से दो निशाने। हेलो, इसे भी प्रद्युमन यहां। अच्छा ठीक है, तुम वहीं पर रुको और उस पर नजर रखो और अपने किसी आदमी को संतोष के पीछे लगाओ, समझे? हाँ हम अभी आते हैं। ओके। संतोष अभी अभी घर आया था, थोड़ी देर रुका और चला गया। एक अच्छा मौका है उसके घर की तलाशी लेने का। राजेश के रेस्टोरेंट में कैशियर था तो उसे राजेश और अनिकेत की दुश्मनी के बारे में भी जरूर मालूम होगा। करेक्ट, और उसके पास राजेश को मारने का कारण भी था। हेलो, इसे भी प्रद्युमन यार। ओह माय गॉड। ठीक है, संतोष राजेश के घर गया है और इस वक्त राजेश वहीं पे है। दरवाजे से? कि दरवाजा तो खुला था। जब जान खतरे में हो तो दरवाजा बंद रखना चाहिए, नहीं तो कोई भी अंदर आ सकता है।
आदमी को फोन लगाओ जिसे हमने राजेश के घर के बाहर ड्यूटी पर लगाया है। सर वो भी फोन नहीं उठा रहा है, इसका मतलब है सर जरूर कुछ गड़बड़ है। तो जल्दी चलो दया। गोली चलिए अच्छा, तुम लोग पीछे की तरफ जाके देखो, देखो सर पीछे का दरवाजा खुला हो। यस सर। जल्दी राजेश दरवाजा तोड़ दो। घबराने की कोई बात नहीं है, अब ठीक हैं, लेकिन चोट काफी लगी है उनको, करीब 30 टाके लगे हैं, खून भी काफी बह गया है, कम से कम 2 बोतल खून चढ़ाना पड़ेगा। मैं मिल सकती हूँ उनसे? अभी नहीं, बाद में। हमें भी थोड़ी पूछताछ करनी है। देखिए अभी तो वो बेहोश है, होश में आते ही आप उनसे बात कर सकते हैं। ठीक है? ठीक है। आखिर राजेश संतोष की पकड़ में आई क्या? समझ सकती हूँ संतोष की हालत। जब एक पत्नी अपने पति को धोखा देती है, तो पति के दर पर क्या बीतती है, मैं अच्छी तरह जानती हूँ। सर, संतोष की गोली निकल गई है, लेकिन वो अब भी बेहोश है। डॉक्टर ये भी नहीं कह पा रहे कि उसे होश आएगा या नहीं। पहले तो हमें ये पता लगाना चाहिए कि राजेश के घर में हुआ क्या है। ये अभिजीत और दया है कि नहीं? नहीं सर। क्या लगता है बॉस, इसमें संतोष के अलावा किसी और के निशान होंगे? क्या मालूम, कुछ भी हो सकता है। हाँ सुधाकर। सर ये देखिए, यह कारपेट पर कुछ निशान है। फोटोग्राफ लो, सब जगह की फोटोग्राफ लो, समझे? कैसे हो मिस्टर राजेश? हाँ, गुड। सर भगवान का शुक्र है कि मैं ठीक हूँ, वरना उस रात के बारे में सोचता हूँ तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सर लेकिन ये सब हुआ कैसे, जरा हमें भी तो बताइए, डिटेल में बताइए प्लीज। सर उस रात संतोष को अपने घर देखकर मैं बहुत घबरा गया। मैंने उससे पूछा कि वो यहाँ क्यों आया है, तो अचानक उसने चाकू निकाला, आप देखा ना, दांव लगा मुझे मारने। मैं किसी तरह जख्मी हालत में अंदर गया और अपने टेबल के ड्रॉअर से पिस्तौल निकाली, लेकिन उससे तो जैसे कुछ फर्क ही ना पड़ा हो। जोर जोर से हंसने लगा और मुझ पर झपटा। सर
फिर मजबूरन मुझे उस पर गोली चलानी पड़ी सर। उसके बाद क्या हुआ मैं कुछ नहीं जानता। आप खोली तो इस अस्पताल में था। देखिए आप घबराइए मत, उसके ठीक होते ही हम उसे गिरफ्तार कर लेंगे। वो पागल अभी तक जिंदा है? अब वो आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा और इस सब के लिए जिम्मेदार को सलाखों के पीछे जाना ही पड़ेगा। बहुत अच्छी तस्वीरें हैं, सब कुछ क्लियर है। ये कमरा ऐसे ही था ना? हाँ सर, सब कुछ बिल्कुल वैसा ही है। ये राजेश का कमरा है, ये राजेश का टेबल है, राजेश यहां पड़ा था। तो राजेश के इस टेबल के पास कहीं खून था? टेबल के पास? हाँ, क्योंकि जब राजेश इस टेबल के ड्रॉअर में से अपनी पिस्टल निकाल रहा था तब तक संतोष उसे काफी बार चाकू मार चुका था। तो इसका मतलब है इस टेबल के पास यहां खून होना चाहिए। अगर सर खून तो सिर्फ दो ही जगह पे था, एक यहां पे जहां राजेश गिरा था और दूसरा यहां जहां संतोष था। बाकी पूरे घर में कहीं खून था ही नहीं। अच्छा, हाँ कहते हैं ना तस्वीरें बोलती हैं। इन तस्वीरों ने मुझे बता दिया है कि अपराधी कौन है। क्या मैंने किया ये सब? क्या कह रहे हैं आप लोग? इतनी मुश्किल से इनकी खुद की जान बची है और आप लोग इन्हीं पर इल्जाम लगा रहे हैं? ये हम नहीं, सबूत कह रहे हैं मिसेस पल्लवी, सबूत। क्या अजीब तमाशा है। मैं तो समझा था कि आप लोग मेरी मदद के लिए आए हैं, पर आप लोग तो अस्पताल में पड़े मरीज को परेशान कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, बताइए क्या कहते हैं आपके सबूत? तुम्हारे जख्म, तुम्हारे शरीर के बाएं तरफ के जख्म दाहिने तरफ से ज्यादा गहरे हैं। वो तो, और तुम्हारे घर में सिर्फ दो जगह खून के धब्बे थे, एक वहां जहां संतोष गिरा था और दूसरा जहां तुम गिरे थे। तो अगर संतोष ने तुम पर पागलों की तरह चाकू के वार किए तो सारे घर में खून के धब्बे होने चाहिए थे, खास तौर पे उस टेबल के पास जिसके ड्रॉअर में से तुमने जख्मी हालत में भी वो पिस्टल निकाली थी। मगर ऐसा नहीं हुआ, तुमने खुद ये जख्म बना लिया, तुमने अपने आप को चाकू मार लिया। तुम अपना हर काम दाहिने हाथ से करते हो और इसीलिए तुम्हारे शरीर के बाएं तरफ के जख्म दाहिने तरफ से ज्यादा गहरे। और तुम ये भी अच्छी तरह से जानते थे कि अगर पल्लवी की कार स्टार्ट नहीं होगी तो वो तुम्हारी कार इस्तेमाल करे। और संतोष वो अपने आप तुम्हारे घर नहीं आया था, तुमने उसे वहां बुलाया था। बॉम्ब बनाने का सामान भी संतोष के घर में तुम ही ने रखा था और पल्लवी की कार के एग्जॉस्ट में नैपकिन भी तुम ही ने डाला था। पल्लवी ये लोग क्या कह रहे हैं? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आपके कहने का मतलब है कि ये सारा प्लान मेरा है? मैंने खुद को मारने का प्लान बनाया और इल्जाम किसी और पे डाल रहा हूं? नहीं, तुमने अपनी पत्नी को मारने का प्लान बनाया और इल्जाम किसी दूसरे पर डालना चाहते थे। क्या मुझे मारने का प्लान? जी हाँ, इनके पास तुम्हें मारने का कारण है। हाँ, ये घर यही कारण है ना? इसने मुझसे शादी पैसों के लिए की थी। अब अगर मैं मर जाऊं तो सब कुछ इसका हो जाएगा, है ना? और कैसे भी उसी के साथ अब इनको मेरी कोई जरूरत नहीं, क्योंकि इन्हें कोई और मिल चुकी है। पल्लवी मुझे माफ कर दो। हाँ राजेश, हर हिंदुस्तानी औरत को अपने पति को माफ करना ही चाहिए और उसे यही सिखाया जाता है। <गण। laughs>
ये एक थप्पड़ तुम्हारे लिए काफी रहेगा। तुम्हारा सारा प्लान फेल हो गया राजेश। तुमने पल्लवी को मारना चाहा पर वो नहीं मरी। तुमने संतोष पर गोली चलाई पर वो भी बच गया। जाल तो अच्छा फैलाया था पर खून फैलाना भूल गए। तुम्हारी एक छोटी सी भूल ने तुम्हें फंसा दिया।